हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इनडायरेक्ट नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ाया है कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। उसमें आपको बताया गया है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है तो सेड या सेड टू को इम्परेटिव सेंटेंस के भावानुसार ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड आदि में चेंज कर देते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित कई रूल होते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, तो उसके लिए हम दूसरे रूल में उसको पढ़ेंगे कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो आप जानते ही हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव डू नॉट शब्द से शुरू होता है या इसको इस तरह से भी शुरू किया, डोंट से भी शुरू किया जाता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का इम्परेटिव सेंटेंस निषेधात्मक अर्थात निगेटिव है तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए दो नियम का प्रयोग करते हैं। दो में से किसी भी एक तरीके से उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, जिसका पहला रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आरवी अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में आई वी सेड या सेड टू को फॉरबिड में बदल देंगे, फॉरबिड में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से डोंट शब्द अर्थात डू नॉट शब्द को रिमूव कर देते हैं, अर्थात उसे हटा देते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से हम जोड़ देते हैं। फिर से एक बार समझें कि इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन इम्परेटिव सेंटेंस एंड दैट हैज बीन स्टार्टेड विद डोंट, देन देयर आर टू रूल्स टू चेंज द गिवन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। यू कैन यूज एनी ऑफ दिस टू रूल्स। द फर्स्ट रूल, पहला रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को फॉरबिड में चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से डोंट या डू नॉट शब्द को हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर, मान लीजिए यह एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द बॉय डोंट मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस
इन द क्लास, डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास। आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ यह इंपरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू है। अगर इस तरह का कोई वाक्य इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आ जाता है तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इस नियम को फॉलो करेंगे, इस नियम का प्रयोग करेंगे और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो नियमानुसार हो जाएगा द टीचर फॉरबिड द बॉय। अभी बताया गया डू नॉट शब्द को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। तो जब हटा देते हैं तो रिपोर्टिंग बार रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट टू से जुड़ जाएगा, टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। ऐसे ठीक। दूसरा, अगर इस तरह से कहा जाए और भी एग्जांपल ले लीजिए, आनंद सेड टू हिज फ्रेंड आनंद सेड टू हिज फ्रेंड डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर मनी। यह भी इंपरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू है तो इसको भी इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इसी नियम का प्रयोग करेंगे। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा आनंद फॉरबिड His friend to west your change होगा और यह second person का personal pronoun है। इसके बारे में बताया गया है कि यह reporting verb के object के number, gender और person में change होता है। तो इसका मतलब इसका person third है तो पॉजिटिव केस में थर्ड पर्सन में हिज का प्रयोग किया जाता है तो हिज योर हिज में बदल जाएगा और यहां मनी आ जाएगा। ओके, और भी एक एग्जांपल लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट The doctor said to the patient, don't drink too much water during meal, खाना खाते समय अत्यधिक पानी मत पिया करो। तो यहां भी देख रहे हैं यदि इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म है क्योंकि अभी डाउन से शुरू है तो इसको भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये ऐसे चेंज होगा, The doctor forbid the patient to drink
टू ड्रिंक टू मच वाटर ड्यूरिंग मील, ड्यूरिंग मील। तो इस तरह से ये पहला नियम चेंज करने का। दूसरा नियम है, अगर आप इस तरह से नहीं चेंज कर सकते तो इसके लिए एक और नियम होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को इंपरेटिव सेंटेंस के भावानुसार ऑर्डर्ड सजेस्टेड, जिस तरह से पहले रूल में आपने चेंज किया है सेड या सेड टू को, उसके भावानुसार ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड सजेस्टेड सजेस्टेड या एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं। अब दूसरी विधि से जब बनाएंगे तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड सजेस्टेड एडवाइज्ड आदि में से किसी एक में इसको चेंज करेंगे, जो उसका भाव होगा इंपरेटिव सेंटेंस का जो भाव होगा उसमें इसको चेंज करेंगे। उसके बाद यहां ध्यान देना होगा कि जब आप कनेक्टिव का प्रयोग कर रहे हो तो डोंट शब्द में से केवल डू को, जो डू शब्द होगा उसी को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, नॉट शब्द रहेगा। लेकिन नॉट शब्द का प्रयोग कनेक्टिव टू के पहले किया जाएगा। हालांकि कनेक्टिव के बाद के शब्द जो है रिपोर्टेड स्पीच के शब्द आते हैं, परंतु रिपोर्टेड स्पीच के इस शब्द नॉट को टू के पहले ही लाना होगा। क्यों? क्योंकि इसका नियम है कि इन्फिनिटिव के टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में किसी भी अन्य जो है अनावश्यक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो टू और चूंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जो है इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है, तो टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट आ जाएगा, जो कि इन्फिनिटिव के रूल के खिलाफ होगा। इसलिए जो है नॉट को टू से पहले ही हम लिख देंगे। इसका मतलब यह होगा कि पहले नॉट होगा और उसके बाद से टू का प्रयोग किया जाएगा। अब एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं, इस रूल से भी कुछ एग्जाम्पल्स चेंज करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से कहा जाए द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब उसी एग्जाम्पल को इस रूल से चेंज करके देखा जाए तो इस रूल से चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द टीचर। अब चूंकि टीचर बॉय को ऑर्डर दे रहा है इसीलिए सेड या सेड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। और अभी बताया गया कि डू नॉट शब्द में से केवल डू को ही हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और नॉट का प्रयोग टू के पहले किया जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, ऐसे होगा। ठीक, अब और भी एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माई
फ्रेंड माई फ्रेंड सैड टू मी माई फ्रेंड सैड टू मी डोंट अब्यूज अदर्स डोंट अब्यूज अदर्स। हालांकि यह इंपरेटिव सेंटेंस भी डोंट से ही शुरू है, लेकिन जो है इसको उस विधि फॉर्मेट विधि से ना चेंज करके, क्योंकि आप फॉर्मेट फॉर्मेट के बारे में भी थोड़ा सा समझ जाइए कि फॉर्मेट को जो है जब यूज करते हैं यहां तो डोंट शब्द को क्यों हटाते हैं, क्योंकि फॉर्मेट का अर्थ ही हो गया मना करना, तो जब मना करने का सेंस फॉर्मेट दे ही दे रहा है इसीलिए डोंट शब्द को यहां रखना उचित नहीं होता है। डोंट शब्द को हम पूरी तरह से डू को और नॉट को दोनों को रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका सेंस जो है फॉरवर्ड में चला जाता है। परंतु ऑर्डर सजेस्टेड रिक्वेस्टेड अर्थात इस रूल से यदि उसको चेंज करते हैं तो केवल डू शब्द को ही रिमूव करेंगे और टू के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसको अब इस एग्जाम्पल को इनडायरेक्ट में अगर हमको चेंज करना है तो हम इसे इस तरह से चेंज करेंगे, My friend। अब यहां एडवाइस भी हो सकता, एडवाइस दे रहा है अपने मित्र को या ऑर्डर दे नहीं सकता है, ऐसी स्थिति में my friend advised या suggested भी लिख सकते हैं, suggested me not to abuse others, इस तरह से। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक विधि का एक रूल का प्रयोग करके इंपरेटिव सेंटेंस जो डोंट से शुरू है उसे आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल 3, तीसरा नियम। कभी कभी ऐसा होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ जो है सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इंपरेटिव सेंटेंस कुछ सम्मानजनक शब्दों से शुरू होते हैं, जैसे सर हो गया, प्लीज हो गया, काइंडली हो गया। ये शब्द अगर जो है इंपरेटिव सेंटेंस के शुरुआत में आए हुए हैं, शुरू शुरू में इसी शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय जो है कठिनाई फील नहीं करनी चाहिए, उसे भी इनडायरेक्ट में चेंज करना आसान होता है। होता क्या है, रूल 3 में देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें काइंडली शब्द का प्रयोग किया गया है, प्लीज शब्द का प्रयोग किया गया है या सर भी आ सकता है, अगर इनमें से किसी एक शब्द से इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो आप जानते हैं कि ये सब जो है सम्मानजनक शब्द हैं और इन शब्दों में जो है रिक्वेस्ट का भाव छिपा रहता है। इसलिए जब कभी भी इस प्रकार के एग्जाम्पल को या सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने जा रहे हैं तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। जब रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे तो काइंडली, प्लीज, सर, इन सभी जो है शब्दों का सेंस रिक्वेस्टेड में चला जाता है, इसीलिए इन शब्दों को वहां रखना उचित नहीं रहता है, इन शब्दों को वहां से हम हटा देते हैं। एग्जाम्पल दिखते हैं इसका भी एग्जाम्पल देखें। द बॉय सेड टू द टीचर, द बॉय सेड टू द टीचर, सर मार्क मी प्रेजेंट, मार्क मी
प्रेजेंट, मुझे मुझे उपस्थित बना दीजिए। ठीक, तो यहां पर सर शब्द का प्रयोग सम्मान देने के लिए किया गया है। दैट इज वाई व्हेनेवर यू आर गोइंग टू चेंज सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन यू शुड चेंज सेड आर सेड टू ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस एंड एज यू नो दैट सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैव द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। That is why said or said to of reporting verb will be changed into requested. इनको हम requested में change करके बना सकते हैं। Sir को हम यहाँ से remove करेंगे और इसे indirect में change करने के लिए इस तरह से इसको indirect में change करेंगे, हो जाएगा the boy requested the teacher to mark him me, first person का personal pronoun है and as you know that the personal pronoun of first person is changed according to number, gender and person of the subject of reporting verb. And you see that the subject of this reporting verb is the boy and it is in third person. That is why in third person the objective case of third person is him, and so me has been changed into him according to the boy. And after that you will write present. Okay, इस तरह से चेंज करते हैं। और भी एग्जाम्पल देते हैं। The old man said to Alan. The old man said to Alan, please help me. ओके, तो यहां देख रहे हैं कि शब्द से इसका मैंने इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसी तरह से इसमें भी रिक्वेस्ट का सेंस है, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये भी उसी तरह से चेंज हो करके हो जाएगा the old man requested Alan to help him me, the old man के लिए आया हुआ है, इसीलिए the old man third person का singular number का है, ये जो है क्या है सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको हम हिम में चेंज कर देंगे। और भी देखते हैं। he said to his friend, kindly help me in this matter. Okay, you can also notice here that the sentence of reported speech is an imperative sentence and it has been started with the word kindly शब्द से अभी शुरू हुआ है, तो इसमें भी आपको बताया गया कि रिक्वेस्ट का सेंस छिपा रहता है, तो इसको भी हम उसी विधि से उसी रूल से चेंज करेंगे, तो हो जाएगा he requested his friend टू हेल्प हिम
इन दिस, दिस का दैट होता है, इन दैट मैटर, ओके, इस तरह से चेंज होगा, ठीक। तो ये तीसरा रूल है, इसमें आपको बताया गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का इंपरेटिव सेंटेंस सम्मानजनक शब्द काइंडली, प्लीज, सर आदि शब्दों से शुरू है और इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो उसको जो है सेड या सेड टू को काइंडली, प्लीज, सर आदि के लिए रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। और क्योंकि इन सबका भाव रिक्वेस्ट का ही होता है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देने के बाद इनको हम हटा देते हैं, उसके बाद से जो है रिपोर्टिंग वर्ब और एक्टिव टू से जोड़ करके उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपको एक और रूल मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें रूल 4 चौथा नियम है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस नेवर शब्द से शुरू होता है, तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस नेवर शब्द से शुरू हो तो उसको भी इनडायरेक्ट में चेंज करते समय जो है नेवर का वही सेंस होता है जो निगेटिव का होता है, नॉट का होता है, तो नेवर भी निगेटिव सेंस ही देता है, इसीलिए इसके साथ भी नेवर का प्रयोग भी टू के पहले ही किया जाएगा। परंतु इसमें यह अंतर होता है कि नेवर शब्द का प्रयोग करके जब किसी इंपरेटिव सेंटेंस को बोला जाता है तो उसमें जो है एडवाइस का भाव छिपा रहता है, तो नेवर से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस के लिए सेड या सेड टू को एडवाइस्ड में चेंज किया जाता है। तो रूल 4 है, चौथा रूल है इसका, यदि जो है इंपरेटिव सेंटेंस नेवर से शुरू है तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को आप एडवाइज्ड में चेंज कर दोगे और एडवाइज्ड में चेंज करने के बाद नेवर उसके बाद से टू का प्रयोग होगा तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये जो है उसका रूल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू हिज ब्रदर, ही सेड टू हिज ब्रदर नेवर, नेवर गो आउट इन द सन, नेवर गो आउट इन द सन, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। अब नेवर वाले सेंटेंस में एडवाइस का ही सेंस रहता है, दैट इज वाई सेड आर सेड टू आर रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड according to the sense of this imperative sentence. And what is the sense of this imperative sentence? You can easily understand that there is a sense of advice. That is why said to of this reporting verb will be changed into advised. He advised his brother never to go out in the sun. Okay, you can change with the help of this rule. Means such type of imperative sentences are changed into indirect form of narration according to this rule. इस नियम से उनको हम indirect में change करते हैं, ठीक। अब imperative sentence में एक और रूल है जिसमें आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि
होने के बावजूद भी आउटवर्डली इट सीम्स इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह से दिखाई देने वाले सेंटेंस होते हैं जो वास्तव में इंटरोगेटिव की तरह से दिखाई तो देते हैं लेकिन उनकी वास्तविकता जो है इंपरेटिव की होती है, उनमें रिक्वेस्ट का जो है सेंस छिपा रहता है। तो उसे जो है इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम दूसरे रूल का प्रयोग करते हैं जिसके बारे में कल मैं आपको अगली वीडियो में उसके रूल को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।